हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रोहन कृष्ण चौहान। मैं फिर से आ चुका हूँ रामपुरी चाकू की शॉप पर, और मैं अक्सर ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ जो एक ट्रेडिशन के ऊपर, खासकर रामपुर में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। ये वीडियो रामपुरी चाकू के ऊपर होने वाली है, और इस वीडियो में आप देखेंगे जैसे मेरे पीछे ये चाकू वगैरह टंगे ना, ये मैं पहले दिखा चुका हूँ वीडियोस में, लेकिन कोशिश करूँगा कुछ मेन चाकू आपको थोड़े बहुत इस बार भी दिखाऊँ। बाकी देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें लगी हैं, देख सकते हैं ये सब चाकू वगैरह है। देखिए ये सब रामपुरी चाकू और ये सब फ्रेम है। देखिए अलग अलग प्राइस हैं सबके। तो अभी शॉप के जो ओनर हैं शहजाद भाई, इनसे भी बात करेंगे। शॉप के ओनर शहजाद भाई, कैसे हैं आप। तो ये शहजाद भाई हैं, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी नहीं देखा होगा, और ये शॉप के ओनर हैं रामपुरी चाकू मार्केट में जो शॉप है चाकू की। तो शहजाद भाई मुझे थोड़ा बताइए शॉर्ट में कि, वैसे तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, रामपुरी चाकू जो लोग कमेंट करते हैं दूर दूर से लेना चाहते हैं, तो सबसे जेन्युइन तरीका क्या होगा आपको कॉल करने का। देखिए जो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल दें जी, तो उस नंबर को कस्टमर को चाहिए कि वो नंबर से मेरे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लीजिए। लेकिन जो हम अगर कस्टमर को कुछ चाहिए होगा तो हम चाइनीज जो आजकल मार्केट में जो छाए हुए हैं ना चाकू ये जी, हम इनको ना तो हम इनका होलसेल करते हैं ना हम इनका रिटेल करते हैं। तो कस्टमर को भी ये चाहिए जो हमारा ट्रेडिशनल चाकू है, हम वो भेज सकते हैं, वो हम उसको दे सकते हैं जी। तो कस्टमर अगर फ़ोन करेगा तो हम उसको ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती। अच्छा, हाँ कस्टमर को पहले आपको कस्टमर को पैक करना पड़ेगा, तो हम उसको जो चाकू उनको चाहिए वो, और वो भी साइज़ जो लीगल होगा वो देंगे जी, जो इलीगल साइज़ होगा वो नहीं देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर हम 6 इंच ब्लेड यहाँ भेज सकते हैं, अपनी शॉप पर भेज सकते हैं, और थोड़ा सा उससे छोटे ब्लेड होते हैं उनको भी भेजते हैं। जो असली जो ट्रेडिशनल चाकू जो रामपुरी चाकू होते हैं उनका अंदर जो ब्लेड होता है, ब्लेड का साइज मैक्सिमम उसमें 6 इंच ब्लेड होता है जी, और जो हम अगर हम कुरियर कर सकते हैं तो वो हम आपका मैक्सिमम ब्लेड जो होगा उसकी लंबाई 3.5 इंच होगी, और वो भी हम ब्लंट देंगे, वो भी हम शार्प नहीं देंगे जी। हाँ, अगर कस्टमर को हम पहले तो देखिए कस्टमर अगर हमें फ़ोन भी करता है ना, तो हम उसकी रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं तो उसको चाहिए किस काम के लिए, तो हम पहले बता देंगे भाई हमारे चाकू धार नहीं मिलेगी आपको। तो जिसको सजाने के लिए चाहिए होता है, जिसको कलेक्शन के लिए चाहिए होता है, यार हमें अपने रामपुरी चाकू, मतलब रामपुरी चाकू अब ऐसा ना विलुप्ति की कगार पे ही समझ दी जा रही, पूरे शहर में 2-3 कारीगर बचे, तो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि उसको धार नहीं चाहिए, उसको सिर्फ सजाने के लिए चाहिए, तो हम उसको वो साइज प्रोवाइड करा देते हैं, वो भी लीगल साइज, इलीगल नहीं भेजेंगे। पब्लिक के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि 9 इंच का चाकू लीगल है या 3 इंच का चाकू, थोड़ा ये बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से कौन कितना लंबा चाकू जो है वो लीगल है। देखिए जो साइज लीगल है वो आपका मैक्सिमम जो हैंडल और ब्लेड मिला के 10 इंच का साइज लीगल होता है, जिसके अंदर जो हैंडल होता है वो होता है आपका 5.5 इंच, और जो ब्लेड की लेंथ होती है वो होती है 4.5 इंच जी। तो वो साइज आपका ऑल इंडिया लीगल, वो कहीं भी कस्टमर अपनी पॉकेट में भी रख सकता है, कहीं भी ले जा सकता है, ला सकता है, लेकिन एक शर्त उसमें एक और भी होती है कि उस पर धार ना। अच्छा, वो ब्लंट हो, मतलब आप कैरी कर सकते हैं जी, वो कैरी कर सकते हैं, उसके अंदर तक धार ना, जैसे कि हमसे बाहर के कस्टमर मंगाते हैं तो वो हमसे इसी उनका पर्पज यही होता है कि यार रामपुर से मतलब चाकू मंगा लेंगे अपने कलेक्शन में, थोड़ा सा इसको रख लेंगे, या हम इसको आजकल क्या हो आजकल ट्रेंड में है कि उसको शोकेस में चाकू होगा कि लोग सजाने के लिए लेकर, सबसे ज़्यादा हमारा चाकू उसी पर्पज में दिखता है। हमारी सरकार जो अभी हमारी हमें प्रमोट कर रही है वो इसलिए कर रही है कि आप इस चाकू को इस शो जैसे शो के लिए आप शो में लगाने के लिए आप इसको कस्टमर को दीजिए, या किसी को गिफ्ट करना है तो किसी को आपको गिफ्ट करना है। आजकल वैसे भी ट्रेंड में चल रहा है रामपुरी चाकू जी, एयर गन्स वगैरह भी रखने लगे हैं जी। एयर गन्स की रेंज जो है वो कहाँ से शुरू होती है और कितने तक है। एयर गन्स की रेंज जो है वो 750 रुपये से लेके जी, और छोटी एयर गन एयर पिस्टल जो होते हैं ये लगे हुए ये देख सकते हैं, सारे एयर पिस्टल है इनमें 750-800 रुपये से लेके जी, और आप इसे 3500 रुपये तक हमारे पास मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का जो होता है 3500 रुपये जी। शहजाद भाई ये जो बड़ी वाली गन है इसका प्राइस क्या है। बड़ी वाली एयर गन जो है इसमें 5500 रुपये से लेके और 7500 रुपये तक की गन मिलती है। अच्छा, अगर जैसे इस गन की बात करें तो इस गन का क्या होगा प्राइस। ये गन आपकी 5500 रुपये। 5500 रुपये। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इसके साथ हमें कुछ बुलेट्स वगैरह जो इसकी आती है अपनी। हाँ, एक नंबर पैलेट्स होते हैं इसके साथ, वो एक डिब्बी साथ में फ्री मिल जाती है। अच्छा, वो हम देते हैं कस्टमर जी। उसके अलावा आगे यहाँ साउंड कॉक भी लगता है। अच्छा, साउंड के लिए होता है, आगे साउंड कॉक लगाते हैं, उसकी डिब्बी अलग से लेना पड़ती है। अच्छा, वो कितने की आती है। वो
100 रुपए की। अच्छा, वो कहीं भी मतलब बाहर भी कहीं सिटी से अगर यहाँ से ले जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगी? गन शॉप से। अच्छा, तो शहजाद भाई मुझे आप थोड़ा बताना शुरू कीजिए, जो आप बता रहे कुल्हाड़ी आई है जी, तो कुल्हाड़ी के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। पूरा स्टेनलेस स्टील में पूरा, लेकिन धार नहीं हो, बिल्कुल धार नहीं हो, दिखाइए, देखिए धार बिल्कुल भी नहीं हो, इतना मोटा देखिए, बिल्कुल ब्लंट है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए, जैसे पीछे हमने ये बनाया हुआ है अशोक सेम बनाया, तो ये कुल्हाड़ी देख सकते हैं आप। शहजाद भाई, इसके अलावा भी कोई कुल्हाड़ी है जी? इसके अलावा कुल्हाड़ी या कोई ऐसा नया आइटम जो चाकू में हो? अच्छा, वुडन की कुल्हाड़ी, ये देखिए कितना खूबसूरत है, एक अलग ही एकदम, लोग इसको भी सजाने के लिए ले जी जी, बहुत बढ़िया। शहजाद भाई, ये सिल्वर वाली का क्या प्राइस रहेगा जी? शहजाद भाई, इसका क्या प्राइस रहेगा? ये वाली 750 की, 750 की ये सिंगल जी, सिंगल। अच्छा, सिंगल कुल्हाड़ी 750 की है, इसका जो फ्रेम आता है वो जी। अच्छा, ये 2500 रुपए का है। अच्छा, बाकी अगर वो डिलीवरी करवाना चाहेगा उसमें ऐड हो जाएंगे चार्जेस वगैरह? चार्जेस ऐड हो जाएंगे। अच्छा शहजाद भाई, इसमें आपका कोई ऑनलाइन पेज भी है या फिर सबसे जेन्युइन तरीका यही है कि मतलब कॉल करके ही ऑर्डर करें? हाँ, नहीं पेज नहीं, ऑनलाइन पेज नहीं जी, लेकिन जो यूट्यूबर आप जैसे भाई हमारे वीडियो बना के जो यूट्यूबर डालते हैं उनका हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, उसे कस्टमर निकाल के फोन कर लेते हैं। लेकिन फिर मैं यही कहना चाहूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखें कस्टमर, जो हम साइज है वो साइज छोटा ही देंगे, छोटा बड़ा साइज कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। शहजाद भाई, कोई और ऐसा चाकू का आइटम आपके पास आया हो, कोई नया बना हो तो आप दिखाना चाहें? देखिए कितना खूबसूरत चाकू है ये, रामपुर की, इसमें देख सकते हैं ये रामपुर का लोगो है एक तरीके से, मार्क है, बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं, ये मजाइन चाकू है, देखिए हाथ में जब लेंगे ना तो ऐसा इस तरीके से कुछ लगेगा, देख सकते हैं आप, देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत चाकू है ये असली। देखो चाकू बहुत सारे हैं, हर तरीके के हैं, मोस्टली मूवीज में ज्यादातर देखने को मिला है, कितना प्यारा चाकू है। रामपुर की एक तरीके से देखा जाए तो भाई पहचान जो है ना वो चाकू से थी, और किन चाकू से थी? इन चाकू से थी पहचान, ये करारी वाला चाकू, यहाँ रामपुर लिखा हुआ जी, और इसका ये पीतल का बटन होता है, बटन ऊपर उठाया आपने, ये बंद किया, अब इसको अगर सादा खोलना है तो बटन उठा के आप इसको ऐसी मैनुअल खोल सकते हैं, और अगर आपको आवाज के साथ खोलना है तो बटन नीचे गिरा के खोलना पड़ेगा, तभी आप खोलेंगे तो बहुत तेज आवाज। ये सबसे ज्यादा पुराने एक तो ये होता है करारी वाला, एक ही बटन वाला होता है। अच्छा, बहुत पुराने चाकू, वही पुराने पैटर्न पे चल रहा है आज भी, और इसके अंदर जो ब्लेड है वो हमने एसएस का लाया, ये स्टेनलेस स्टील है, ये भी स्टेनलेस स्टील है, ये भी स्टील है, ये भी स्टील, ये रंग नहीं आएगा इन पर, इसलिए हमने एसएस के ब्लेड डाले हैं, अलग हम लोहे का ब्लेड डाले जी, इसमें देखिए लोहे का ब्लेड है, इसमें लोहे का ब्लेड, ये देख सकते हैं लोहे का ब्लेड, ये लोहे का ब्लेड है और ये स्टील का ब्लेड है, ये स्टील का ब्लेड है, ये स्टील है और ये लोहा है, इस पे जंग आने के चांसेस हैं? ये जंग आ जाएगा इसमें जी, क्योंकि लोहा है, हम इसका इस पर जैसे मोबिल ऑयल है या मशीन का तेल है वो नहीं लगाएंगे तो इस पर जंग आ जाएगा जी, इस पर कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, इस पर कभी लाइफ टाइम कभी जंग नहीं आएगा, एसएस का ब्लेड प्योर एसएस है, प्योर एसएस। हां, और इसके ब्लेड की खासियत ये होती है कि ये चाकू इसके ब्लेड को काट देगा, ये जो एसएस है, देखिए एसएस है, ये लोहे को ऐसे काट देगा, इतना पक्का एसएस होता है, देखिए दिखाइए आप, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कट चुका है, काट दिया, ये कट चुका है, देखिए हाँ लोहे को काट दिए। तो ये रामपुरी चाकू है देखिए आप, और ये कुल्हाड़ी मैंने आपको दिखाई, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी भी दिखा चुका हूँ, पूरा कलेक्शन है यहाँ पे। तो शहजाद भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि मतलब वो क्या मतलब 10 साल बाद क्या रहेगा इसका जो बिजनेस, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखा, अगर अभी भी सरकार एक और दो भी कदम उठाए इस काम के लिए जी, तो हमारा ये बिजनेस और आगे भी जा सकता है, जैसे कि आप अगर पिछले 5-6 साल 7 साल को आप कंपेयर करेंगे तो पिछले 7 साल 7-8 सालों में तो बिल्कुल काम था नहीं,
सात साल पहले काम खत्म हो चुका था, लेकिन अब दोबारा से प्रशासन ने भी इसमें अपनी जान दी। और दूसरी सबसे मेन चीज़ ये है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो जिसके लिए कार्य काम कर रही है तो वो बहुत बढ़िया काम, उसके लिए हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमारे अधिकारी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे कमिश्नर साहब जी हैं, तो उन्होंने इस काम के लिए बहुत मेहनत की है, उन्होंने इस पर मतलब बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक रामपुर के अंदर 20 फीट का दुनिया का सबसे बड़ा चाकू बना, वो इसलिए लगाया कि बाहर के लोग जो आए वो इसको देख कर आए, आकर्षित होकर आए रामपुर के। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, सरकार ने इस चाकू की पहचान करा दी, जो हमारा चाकू था उसकी पहचान कराई है। बस मेन चीज़ क्या थी कि हमें पहचान कराना थी कि रामपुर का चाकू ये होता है। असल में पहले जो मार्केट में बिकते थे वो सब चाइनीज चाकू ज़्यादा बिकते थे, लोग कस्टमर उनको यही समझते थे कि रामपुर में बनता है, रामपुर में आता है, ऐसा नहीं था। आज सबसे ज़्यादा पहचान हमारे रामपुर के चाकू की सरकार ने हमारी कराई है, और इसलिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं जी। और दूसरी बात ये कि आगे अगर सरकार चाहे तो इस काम को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है, वो इसलिए कि जो पुराने कारीगर हैं, जो जिन लोगों ने 25 साल पहले काम छोड़ दिया, उनको दोबारा से इस काम पर लाना, उनको लाना है। उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है, उनके लिए परेशानी है लाइसेंस की, उनके लिए लाइसेंस को आसान करना, मतलब जो लाइसेंस की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है लाइसेंस की, उसको आसान करना। सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में जो कारीगर आगे नहीं आना चाहता, वो इसी चक्कर में नहीं आना चाहता कि उसको बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है लाइसेंस के लिए। और अगर एक जो हर साल इसका लाइसेंस को दोबारा कराना पड़ता है जी, तो रिन्यूअल कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है, वो एक साल का नहीं होगी, 5 साल का होना चाहिए। सरकार इसके लिए बहुत कुछ कर सकती है अभी भी, और अगर इसके लिए मेहनत करेगी ये काम बहुत आगे जाएगा। और दूसरी बात है कि इस चाकू काम को इंडिया में नहीं बेच के खाली, इसका एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, जैसे हमारे इंडिया में लोग इसको जानते हैं रामपुर, लेकिन अभी भी बाहर के लोग नहीं जान पा रहे कि क्योंकि जानते तो हैं वो, लेकिन उसके पास कोई जरिया नहीं है, मंगाएं कैसे, उनको मिले कैसे वहाँ पर, अगर एक्सपोर्ट होने लगे कोई ले जाएगा तो कस्टम्स वाले रोक लेंगे, वहाँ रोक लेंगे। इसलिए इसके साइज पर जो बड़े साइज पर बैन है, अब वो तो नहीं सरकार हटाएगी या नहीं हटाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि हमारा जो लीगल इंडिया में लीगल साइज है 10 इंच का, उसको अगर एक्सपोर्ट करने लगे तो वो भी बहुत हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो ये रामपुरी चाकू के बारे में मैंने आपको बताया, ये कुछ रामपुरी चाकू भी दिखाया आपको, तो बाकी कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और शहजाद भाई मुझे ये बताइए, और कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी व्यूअर्स से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कभी वीडियो देखें जी, बिल्कुल हाँ, तो इसको सब्सक्राइब करें। असल में आपकी बात सही है, एक अमेरिका के कोई बंदे थे, उन्होंने कमेंट किया था कि मुझे चाकू चाहिए जी, मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा मेरे पास फोन आते जी जी, आपके आप जैसे भाई ने जैसे आपने मेरे नंबर डाल दिया जी जी, और यूट्यूबर ने डाल दिया, तो उनसे वहाँ से काफी सारे कॉल आते जी जी, मेरे पास हफ्ते में 2-3 कॉल आते हैं जी जी, चाहे अमेरिका से आ जाए, थाईलैंड से, कभी कभी दो, अभी पिछले महीने शायद थाईलैंड से भी फोन था मेरे पास, वो भी इंडिया के थे, वो कहने लगे बोले यार हमें रामपुरी चाकू कैसे मिलेगा, ये मैंने कहा मेरे पास ऐसा कोई जरिया है जो आप तक मैं पहुँचा सकती है, सरकार इसके लिए थोड़ा सा काम कर दे तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो ये हमारी ये जो अभी वर्तमान DM साहब हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, मेहनत ये है कि हमसे ये जो फ्रेम कराते हैं ना, चाकू के फ्रेम कराते हैं तो अपने मेहमानों को भी देते हैं जी, हमारा काम थोड़ा बढ़ता है, कारीगर को काम मिलता है, कुछ हमें भी रोजी मिलती है उससे, हाँ हमें भी हमारा भी काम बढ़ता है आगे। तो मैं अपने जो हमारे वर्तमान DM जी रविंद्र बांदर जी, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ठीक, तो ये शहजाद भाई ने हमें दिखाए चाकू, ये सारे चाकू थे, और असली देखो रामपुरी तो यही हैं, और भी हैं इसके कुछ मॉडल्स जो पुराने हैं, तो मेन जो रामपुरी है वो यही है, इसी की वजह से रामपुर की पहचान है। और शहजाद भाई मेरे ख्याल से पूरे रामपुर में चाकू के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी आपको होगी। आप मेरे मुझे जानकारी थोड़ी सी इसलिए भी है कि मेरे परदादा से काम चला, अच्छा। मेरे परदादा बनाने वाले, मेरे दादा बनाने वाले, मेरे पापा बनाने वाले जी जी, जी। मुझसे आता है थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैंने बहुत कम सीख के काम छोड़ दिया था, बाद में दुकान पर बैठने लगा जी, काम छोड़ दिया, सीखा नहीं। तो ये ऐसी दुकान है जहाँ पर आपको अगर लोग देखने भी आ सकते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल आई, उनको पसंद आए या ना आए वो उनके ऊपर है, वो कोई मैटर नहीं है जी, जी आ जाए दुकान पे, आ जाए जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इतना दुकान पे आ जाए, कोई बात नहीं, जो चीज़ चाहे देख। तो आप आइए यहाँ पे बैठिए, आराम से बातचीत कीजिए शहजाद भाई से, देखिए थोड़ी जानकारी मिलेगी, और बहुत सारी लॉ की फील्ड से लोग देख रहे होंगे मुझे, बाकी मीडिया की फील्ड से भी देख रहे होंगे, आप आइए। डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ, बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसीज ने BBC तक ने यहाँ पे शूट किया है, BBC आज तक और बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी शूट किया है शहजाद भाई के साथ, और चाकू को
चाकू के बारे में बताया। अच्छा शहजाद भाई एक बात बताइए मुझे, ये ब्रास का, मुरादाबाद के ब्रास का और रामपुरी चाकू का कोई कनेक्शन भी है क्या आपस में? नहीं, मुरादाबाद जैसे हम ये देख रहे हैं ये पीतल, नहीं ये पीतल जो भी पीतल होता है जैसे हमारे ये जो ये पीतल है जो दिखाई दे रहा है ये मुरादाबाद का कोई काम नहीं होता। अच्छा। इसके अंदर इसमें हमारे यहीं के कारीगर हैं जी जी जो इसकी ढलाई करते हैं जी। देखिए इसकी जो ढलाई होती है वो सब रामपुर के कारीगर करते हैं, कोई मुरादाबाद से नहीं आता। अच्छा। मान लीजिए पीतल जरूर मुरादाबाद से आती है, पीतल मुरादाबाद से आती है, जो कारीगर हैं वो इसकी ढलाई करते हैं। जो ब्लेड आगे का है ये लोहे का तो घड़ते हैं, लोहे के ब्लेड की तो घड़ाई होती है और दूसरा जो एसएस का ब्लेड है ये हम कटिंग कराते हैं। अच्छा। इसकी डाई से हमने कटिंग कराई है इसकी कटिंग ब्लेड की, और जो लोहे का बनता है वो घड़ के बनता है जी। और बाकी ये बटन ये सारा मटेरियल सब यही रामपुर के कारीगर बनाते हैं। अच्छा। ये अलग बनता है, ये अलग होता है, इसकी जो कमानी होती है ये अलग बनती है। और इसके अंदर देखिए जो मैकेनिज्म होता है वो मेन चीज़ कमानी होती है, कमानी का तार होता है ये जो यही ऊपर को फेंकता है, यही फेंकता है बटन को प्रेस करने से यही ऊपर फेंकता है ब्लेड को। तो ये अपना मैकेनिज्म है रामपुर का, रामपुर में ही बनाया जाता है पूरा कंप्लीट रामपुर में। ब्रास जो है वो मुरादाबाद की है, लेकिन मुरादाबाद की ब्रास है लेकिन जो ढलाई करने वाले हैं जो कारीगर काम करने वाले इसको हैंडल को बनाने वाले हैं वो सब रामपुर के हैं, सब रामपुर के अच्छे कारीगर हैं रामपुर जी 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 ढलाई करने वाले। अच्छा शहजाद भाई ये जो बड़ा चाकू बनाया था बड़ा वाला ये मतलब कहाँ बना था, क्या हुआ था इसका थोड़ा बताइए। ये बिलासपुर गेट से आगे चौराहा है चाकू का नाम रखा है चाकू चौराहा जी जी जी, वो जौहर हॉस्पिटल के सामने बनाया है जी। वो हमारे जो यहाँ वर्तमान डीएम साहब है रविंद्र मांगर जी, ये उनकी देन है। शहजाद भाई इसमें किन कारीगरों का रोल था जी? इसमें देखिए इसके अंदर तो देखिए चाकू के अंदर मैकेनिज्म तो कुछ है नहीं, एक तरीके का ऐसा रखा है वो शॉप है। हाँ कारीगरी का उसके अंदर कोई ऐसा मैटर नहीं है जी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा कारीगरी की है। उसका जो हैंडल है जी, हैंडल में जो नक्काशी वक्काशी जो भी की गई है वो हाथ से की गई है, जो रामपुर के हमारे कारीगर हैं अफशान रजा। अच्छा। ये उन्होंने बनाया। और जो जो मटेरियल था उसका वो आपका मुरादाबाद से आया था, जो ब्रास है वो मुरादाबाद से आया था, बाकी सारा जो बनाने का जो उनका मेहनत की है वो अफशान रजा ने बनाया। जैसे हम देखते हैं कि हाथ से इसे ठोक पीट कर इसमें छेद करे जाते हैं और मतलब अलग अलग तरीके से इसे बनाया जाता है चाकू को, इसमें कुछ मशीनरी का भी होना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में जैसे अगर बिजनेस बढ़ेगा। देखिए अगर बिजनेस बढ़ता है जी तो आने वाले टाइम में क्या होता है कि जैसे हमने पिछले 7-8 सालों में और आज के वक्त में हम 7 साल में हमने भी इस काम की बहुत तरक्की की है। अच्छा। खास करके हमने इसके जो ब्लेड है हमने सबसे ज़्यादा वर्क इस पे ब्लेड पे किया, हमने इसके ब्लेड पे किया, ब्लेड पे ये वर्क किया। पहले लोहे का ही बनता था तो कस्टमर को ये शिकायत रहती थी कि यार सबसे ज़्यादा ये इस पर जंग आ जाता है जी, ये रस पकड़ लिया करता था पहले। लेकिन आज हमने इस पर मेहनत करके हमने एसएस का बना दिया जी। पहले एसएस पे क्या होता था कि एसएस पे एक मशहूर बात ये थी कि एसएस के ऊपर धार नहीं आती जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो 202 या 304 ब्लेड होता है उसके ऊपर बहुत अच्छी धार आती है और इतनी अच्छी धार होती है, इतना अच्छा, इतनी मजबूती और इतना हार्ड टेम्पर होता है कि लोहे तक भी पानी देता है। ये चीज़ हमने बाद में पता की, तो हमने फिर ब्लेड इस पर मेहनत करके ब्लेड हमने ये बनाया। देखिए सबसे ज़्यादा हमने ब्लेड पर ही मेहनत की। अब देखिए पहले ये सब कुछ नहीं चलता था, ये जो ब्लेड आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं होता था पहले। ये पहले मैं आपको पुराने वाले ब्लेड दिखाऊं, देखिए पुराने वाले ब्लेड ये होते थे, ये लोहे का देखने में आपको अलग ही लगेगा जी जी। ये है देखिए पुराने ब्लेड, इन पे देखिए दिखाइए जंग आ रहा है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल जंग आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग हल्की हल्की इस पर जंग आने लगी, जंग वाला चाकू ये देख सकते हैं पुराना है थोड़ा, देखिए और लोहे का ये है, ये सब जंग आ रहा है इनके जी जी। तो इस चीज पे ये कभी जंग नहीं है, हमने ये मेहनत की। ये देख सकते हैं वैसे क्या फर्क दिख रहा है दोनों में, बहुत ज्यादा फर्क। ये चाकू जो है ना ये हुए या ये सारे चाकू जितने भी हैं जी, ये सारे आज की डेट में अगर ये विदेश जाएंगे एक्सपोर्ट होंगे तो इनमें कोई शिकायत नहीं आएगी। अच्छा। ना तो इनमें जंग की शिकायत आएगी ना इनकी क्वालिटी में कोई शिकायत आएगी, इतनी बढ़िया क्वालिटी करती है हमने जी। तो ये थी रामपुरी चाकू की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। बाकी मैं नंबर दे दूंगा शहजाद भाई का और जो भी डिटेल्स हैं इनकी, और लोकेशन मैंने आपको बता देता हूँ। शहजाद भाई एक बार लोकेशन और बता दीजिए जी। लोकेशन देखिए वैसे तो आप कार्ड उसमें डाल देना जी जी, कार्ड डाल देना, कार्ड से भी कस्टमर सीधे आ जाता है जी। और दूसरी बात ये है कि रामपुर में जब आप बस अड्डे जैसे बाहर से आने वाले कस्टमर्स होते हैं तो उनके लिए तो रामपुर बस अड्डे या रेलवे स्टेशन के पास ही सिर्फ वहाँ जो ई रिक्शा वाले होते हैं ट्रैवलिंग वाले उनसे बोलिए तो सीधा चाकू बाजार छोड़ देंगे जी।
चाकू बाजार में बब्बू भाई ताले वाली मेरी दुकान का नाम। बाकी आप शहजाद भाई का नाम ले देंगे वैसे ही पहुंचा देंगे, और चाकू के नाम से तो आपको पहुंचा ही देंगे। बाकी अभी आपकी शॉप कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है? सुबह 10:30 से रात को 8:30। 10:30 से 8:30। Mm-hmm.